आपको पता है, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग्स अबाउट पेट्रियार्की, जो पितृसत्ता की बात हम आज भी करते हैं, वॉज दैट इट बिगैन विद द आइडिया ऑफ अ वुमन बीइंग वर्जिन, कि एक कुंवारी लड़की जब उसकी शादी हो रही है, क्या वो प्योर है, क्या वो वर्जिन है। और ये बात हो रही है हमारे अर्ली ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे। तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, इवन दो वी स्पीक अबाउट हाउ ये जो लोग थे, ये खानाबदोश लोग थे, ये पास्टोरलिस्ट नोमैड्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने गाय, अपने मवेशी को चराने के लिए लेके जाते थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग डेवलप नहीं थे। देखो, ये जो टाइम पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है, दिस टाइम पीरियड एग्जिस्ट फ्रॉम 1900, 1800 BCE ऑनवर्ड्स, एंड जो इनका जो ये माइग्रेशन है टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये स्टार्ट हो चुका है अराउंड 1400, 1500 BCE के आसपास। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपने हमारे हरप्पन सभ्यता को देखा होगा, आपने पाया होगा कि हरप्पन सभ्यता एक पूरी तरह एक शहरी सभ्यता थी। उसके अंदर शहरीकरण हो चुका था, वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ गई थी, और यही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन ऋग्वेदिक लोगों के पास भी था। ये लोग भी पॉटरी करते थे, ये भी पॉटरी बनाते थे, इनको मेटलर्जी के बारे में भी पता था। तो ये कोई मतलब ऐसे लोग नहीं थे जिनके पास कोई मतलब, ये बर्बरता से भरे हुए बारबेरिक लोग नहीं थे। इनके पास भी अपने रिचुअल्स, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें थी, और उन्हीं रिचुअल्स, कस्टम का पार्ट था ये सोसाइटी। एंड दैट्स द रीजन वाई व्हेन वी टॉक अबाउट अ सोसाइटी इन मेकिंग, हमको बात करनी पड़ेगी अबाउट हाउ द सोसाइटी वॉज ट्रीटिंग वेमेन। बिकॉज अगर आप देखोगे, आप पाओगे जो हमारे अर्ली हिस्टोरियंस थे ना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अराउंड 19th सेंचुरी, जब ये रिसर्च करा जा रहा था हमारे एंशंट हिस्ट्री के ऊपर, बहुत सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने बोला था कि ये जो हमारा वैदिक एज है ना, दिस वॉज अ गोल्डन एज फॉर वेमेन। दिस वॉज एन एज जहाँ पे गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता था इक्वली जैसे गॉड्स को किया जाता था। एट द सेम टाइम जो मंत्र बनाए जाते थे, वो हमारे बहुत सारे फीमेल सेजेस या फीमेल ऋषि मुनि भी थे जो लिखते थे, वो लोग फीमेल्स रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते थे, वो यज्ञ करते थे। सो ये जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जो अर्ली हिस्टोरियंस थे, उन्होंने एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की थी ये बताते हुए कि जो हमारा ऋग्वेदिक टाइम पीरियड था, दैट वॉज द गोल्डन एज फॉर वेमेन। नाउ इसमें से बहुत सारा जो इन्फ्लुएंस है, आप ये कह सकते हो, केम फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम, कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो ऑपरेशन, जो ह्यूमिलिएशन हमारे ऊपर किया जा रहा था, उससे उभर के आने के लिए जो ये लोग, जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, वो बार बार कहते थे कि इंडिया हमेशा एक सब्जुगेशन के अंडर रहा है, इंडिया हमेशा किसी ना किसी किसी शासक के अंडर रहा है। अब उसी को तोड़ के आने के लिए हमने गुप्ता पीरियड को एक गोल्डन एज बनाया, फिर विमेन स्टेटस को दिखाने के लिए ऋग्वेद से बात करनी शुरू की कि जो इंडिया का जो एंशंट हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है एंड इट प्रीडेट्स ऑल दीज कॉलोनियल पीपल। बट द थिंग इज, कहीं ना कहीं देर इज सर्टन बायस दैट हैज कम इन टू दिस स्टडी, कि ये जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस ने जब ऋग्वेदिक विमेन के बारे में बात करना शुरू किया था, देर माइट हैव बिन सम सॉर्ट ऑफ अ बायस जस्ट टू शो दैट द विमेन हैड अ मच बेटर स्टेटस। अब मैं इसी चीज को थोड़ा और गहराई से एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। नाउ आई वॉन्ट यू टू बी एन इक्वल पार्टिसिपेंट इन दिस। आज मैं आपको थोड़े बहुत ऐसे सिनारियोज बताने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन सिनारियोज को ऑब्जर्व करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू एंड आई आर बोथ लर्निंग हिस्ट्री टुगेदर राइट हियर, राइट? सो लेट्स लुक एट ऋग्वेद एंड हाउ इट स्टार्टेड डिपिक्टिंग विमेन। अब आज की कॉन्वर्सेशन में हम विमेन को स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, सो दैट वी नो कि ये जो सोसाइटी थी वो इस चीज के अराउंड कैसे डेवलप हो रही थी। एंड देन टुमारो वी विल टॉक अबाउट हाउ द ट्राइब्स, हाउ द रिचुअल्स, हाउ रिलीजन एंड एवरीथिंग केम इन टू बींग। सो लेट्स टॉक अबाउट विमेन। नाउ व्हेन वी सी दिस ऋग्वेदिक बुक्स, जब हम ये ऋग्वेद और बाकी वेदों की बात करते हैं, मैं आपको हमेशा, मैं चाहूंगा कि आपके दिमाग में एक चीज कॉन्स्टेंटली रहे, व्हेन वी आर लुकिंग एट ऋग्वेदिक बुक्स एंड ये जो मंत्र, जो हिम्स हमको मिलते हैं, वो ये है कि ये जितनी भी किताबें हैं, दीज वर नॉट पॉपुलर बुक्स। व्हाट आई मीन बाय पॉपुलर बुक्स इज दैट ये लोकल लोगों द्वारा नहीं लिखी जा रही थी, दीज वर बीइंग रिटन बाय प्रीस्ट्स, ये ऋषि मुनियों द्वारा लिखी जा रही थी, ये पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखी जा रही थी, और उनको लिखा जा रहा था एज रिचुअल और रिलीजिस्टिक किताबों की तरह। तो इसके अंदर जो डिपिक्शंस हमको मिल जाती हैं, जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में भी बात करी थी, बहुत सारी डिपिक्शंस हैं जो थोड़ी एग्जैजरेटेड हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बात करी गई हैं, बट इसमें भी एटलीस्ट हमको एक नज़रिया मिलता है लिखने वाले का, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है क्या चीज़ें हो रही थी, नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल,
लेट्स टेक अ हिम फ्रॉम बुक नंबर 8 जिसमें कहा गया है दैट अ वुमन एंड अ मैन आर वॉशिंग द सोमा आर वॉशिंग एंड प्रेसिंग द सोमा जूस टुगेदर एंड दे आर प्लकिंग द सेक्रेड ग्रास फॉर रिचुअल्स. अब ये जो सेक्रेड ग्रास की बात करी जाती है आप देखोगे हमारे बहुत सारे इंडियन रिचुअल्स में आज भी कुछ ऐसे पवित्र घास है जिनको पूजा में यूज किया जाता है, चाहे वो वीट ग्रास हो चाहे वो दूब ग्रास हो, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर राइट. नाउ यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है कि एक मैन और एक वुमन एक साथ रिचुअल चीजों को गैदर कर रहे हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म अ रिचुअल टुगेदर. इसका मतलब क्या है दैट बोथ ऑफ देम आर डूइंग इट इक्वली, व्हिच मींस दैट वुमेन आर बीइंग अलाउड टू डू अ रिचुअल. लड़कियों को भी अलाउ किया जा रहा है हमारे इन यज्ञ या इन सारे रिचुअल्स को करने के लिए, इन रिलीजियस एक्टिविटीज को करने के लिए. एट द सेम टाइम दे आर प्रेसिंग द सोमा जूस टुगेदर व्हिच शोज दैट डोमेस्टिक वर्क में भी हस्बैंड और वाइफ या मैन और वुमेन का एक इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है राइट. सो द फर्स्ट इंस्टेंस इज टेलिंग मी दैट कहीं ना कहीं देर इज अ सिमिलैरिटी इन स्टेटस बिटवीन मैन एंड वुमेन बट आर दे इक्वल. Now the second instance I would like you to notice is कि जब हम बात करते हैं एक women की status के बारे में तो हमको equal references भी मिलने चाहिए इन किताबों के अंदर. Now the first reference that I would like us to see is कि जब बात करी जाती है एक बच्चे के होने की, क्या उसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों शिशुओं के बारे में क्या इक्वली बात करी जा रही है. एंड द थिंग इज दैट वाज़न्ट द केस. आप पाओगे कि अलग से ऐसा नहीं बोला गया है कि एक गर्ल चाइल्ड होना या एक लड़की का एक परिवार में जन्म लेना गलत है, बट एट द सेम टाइम एक लड़के के जन्म को सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसके लिए कई हिम्स और मंत्र बनाए जा रहे थे. इनफैक्ट कुछ मिनट्स में यू विल सी व्हेन वी टॉक अबाउट द वेडिंग, जब हम वेडिंग की बात करेंगे, जब मैरिज की बात करेंगे, उसमें भी पाओगे कि उसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसमें बोला गया है कि द वधू द वाइफ शुड बियर गुड मेल चिल्ड्रन. सो अगेन इवन दो डॉटर्स की बात नहीं करी जा रही है डायरेक्टली, सन्स की बात ज्यादा करी जा रही है, डॉटर्स को बुरा नहीं बोला जा रहा है बट सन्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? गर्ल्स आर नॉट इक्वल टू बॉयज बट एट द सेम टाइम देर इज नो इन डायरेक्ट इनइक्वालिटी बिटवीन देम, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जा रहा है. इसका दूसरा जो मुझे एविडेंस मिलता है वो है द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट वर बीइंग यूज्ड इन ऋग्वेद टू डिनोट अ वुमन. एक लड़की के लिए किन किन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था ये भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप पाओगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आज के टर्मिनोलॉजी में भी मुझे मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कन्या या द वर्ड पुत्रिका या पुत्री. दीज आर द वर्ड्स जो मुझे आज के टाइम पीरियड में भी मिलते हैं. वेर एज इफ आई लुक एट अदर वर्ड्स लाइक कननिका और दुहिता और कनन्याना, ये वर्ड्स मुझे आगे जाके नहीं मिलते. ना वॉट दिस इज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स डिनोट्स डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज. कि कन्या जो वर्ड था वो एकदम छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता था, जो पर्टिकुलरली बोला गया है ऋग्वेद के अंदर वर द विमेन हु वर द गर्ल्स हु आर अंडर द एज ऑफ 10. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बात कर अभी जैसे बताया था दैट मेल एंड फीमेल हैड अ सिमिलर स्टेटस बट नॉट इक्वल, इसका एक और जो मुझे एविडेंस मिलता है इज फ्रॉम द वर्ड पुत्रिका. पुत्रिका जो वर्ड है दैट सिग्निफाइज अ ब्रदरलेस मेडन, यानी कि पुत्रिका उन लोगों के लिए नाम दिया गया था जो एक फादर की एक लौती संतान थी, मतलब वो एक शी वॉज अ गर्ल चाइल्ड जिनका कोई भाई या बहन नहीं था. अब इनका जो स्टेटस था दैट वॉज सीन टू बी इक्वल टू अ मेल चाइल्ड, बिकॉज अगर इनके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उस मृत्यु के बाद जो फ्यूनरल राइट्स थे, जो लास्ट राइट्स थे, वो इनको करना अलाउड था. सिमिलरली उस पिता के जितना भी धन था वो ये लोग इनहेरिट करेंगे. द पुत्रिका द पीपल हु वर द ओनली डॉटर द ओनली चाइल्ड हु वाज अ डॉटर. अब इसके ऊपर आगे जाके
हमारे सूत्रों के अंदर कुछ चेंजेस लाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये जो पुत्रिकाएं हैं, जो सिंगल डॉटर्स हैं, इनका मैरिज जो है ये मैरिज के लिए इनएलिजिबल है, बिकॉज अगेन देवर गोइंग टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, देवर गोइंग टू डू द फ्यूनरल राइट्स, सो देवर ऑलमोस्ट इक्वल टू मैन। एंड इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे जब हम आगे जाके लेटर वैदिक टाइम्स के रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये चीज दिमाग में रखिएगा दैट अगेन वेमेन आर गिवन ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस टू मैन। नाउ अनदर प्लेस, अनदर एविडेंस दैट आई वुड लव अस टू डिस्कस हियर इज दिस अमेजिंग फेस्टिवल विच गेट्स मैंशनड इन द ऋग्वेद बाय द नेम ऑफ सामना। ये जो सामना फेस्टिवल है इसके बारे में कई जगह हमारे ऋग्वेद में बात करी गई है। अब इस फेस्टिवल को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है कि एक सोशल गैदरिंग था जहाँ पे लड़के लड़कियाँ हर एज से आती थी, जहाँ पे जो तीरधारक थे, तीर धनुष धारक थे, वो अपनी आर्चरी का स्किल का प्रदर्शन करने के लिए आते थे, जो रथवाहक थे, जो घुड़सवार थे, वो अपने घोड़ों की रेसेस करवाने के लिए आते थे। उसी तरह जो यहाँ पे पोइट्स थे और जो प्रीस्ट्स थे वो फेम गेन करने के लिए आते थे, वो कॉम्पिटिशन करने के लिए आते थे, और जो वाइव्स थी या कॉन्क्यूबाइंस थी, जो मिस्ट्रेसेस थी, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आती थी। नाउ इन मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शंस दिस साउंड्स लाइक, ये हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो सामना फेस्टिवल है ये कोई रिचुअल फेस्टिवल नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिक्रिएशनल सोशल गैदरिंग। अब इस सोशल गैदरिंग के अंदर ऑलमोस्ट ऑल पीपल वर अलाउड, ऑल विमेन एंड चाइल्ड ऑफ ऑल एजेस वर अलाउड, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया है विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट वर्ड इज योशाह। योशाह जो वर्ड है इज यूज फॉर अ वुमन, अ मेडन, अ यंग वुमन और अ वाइफ। तो अगेन दैट गिव्स दैट डिपिक्शन। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर वर्ड यूज फॉर विमेन विच इज अग्रु, विच मीन्स अ वर्जिन लेडी, विच यहाँ पे हमारे इस कॉन्वर्सेशन में वुड डिनोट अ यंग वुमन, अ पुत्री, अ कन्या। सो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि इन अ सोशल गैदरिंग फेस्टिवल वेयर विमेन आर एंड मेन आर इक्वली अलाउड, बट जब इसी रिचुअल का, इसी फेस्टिवल का जब जिक्र होता है हमारे 10th मंडाला के अंदर, वहां पे धीरे धीरे ये जो सामन फेस्टिवल है हमको मिलता है कि उस 10th मंडला के अंदर कहा गया है कि ये जो सामन फेस्टिवल है ये पहले किया जाता था, ये बहुत टाइम पुराना फेस्टिवल है। तो अगर आप सोचो ऋग्वेद के अंदर एक इनिशियल स्टेज में सामन के बारे में मेंशन किया गया है और उसके बाद 10th मंडला में कहा जा रहा है कि एंशियंट टाइम में होता था, इसका मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे ये जो फेस्टिवल था वो फेड अवे हो गया था। और इसमें ये भी दिखाया गया था 10th मंडला के अंदर कि इस सामर फेस्टिवल के अंदर जो विमेन है उनके आने का और उनको अलाउ करने का स्कोप भी धीरे धीरे कम कर दिया गया था। सो ऑल एंड ऑल यू विल सी दैट ये जो सामन फेस्टिवल था जो पहले पहले सबके लिए इक्वली अलाउड होता था वो धीरे धीरे फेड अवे हो गया, बिकॉज चांसेस आर दैट द रीजन व्हाई दीज पीपल वर कमिंग, फॉर एग्जांपल हमारे जो हमको जो कमेंट्रीज मिलती है ऋग्वेद के अंदर, उसमें से एक कमेंट्री में पूछा जाता है कि ये जो सामन फेस्टिवल है जो एक रिचुअल है जिसमें प्रीस्ट का कोई काम ही नहीं है, तो वो प्रीस्ट क्यों आ रहे हैं वहां पे, इट्स नॉट अ रिचुअल, वो तो एक सोशल गैदरिंग है। एंड देन द कंक्लूजन इज दैट वो फेम इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं, क्यों, बिकॉज वो आएंगे अपनी पोएटिक स्किल्स को दिखाएंगे तो लोग उनसे अट्रैक्टेड होंगे, लड़कियां उनसे अट्रैक्टेड होंगी। सो कहीं ना कहीं देर वॉज अ सिचुएशन जहां पे यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों आ रही थी। इनफैक्ट इफ यू मूव ऑन टू आर थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वुमन, यू सी दैट जो सामन फेस्टिवल होता था वो कहा जाता है कि वो उषा का टाइम होता था। अब ये उषा क्या है, उषा वॉज सीन एज द गॉडेस ऑफ डॉन, मतलब जो एकदम सुबह वाला टाइम है, उस जो सूर्योदय का समय है उस समय की गॉडेस को उषा कहा जाता है। और कहा जाता है कि उषा जो थी शी वॉज अ प्योर मेडन, एंड उषा को, उषा के जो लवर थे वो थे सूर्य, जो उषा के पीछे पीछे भागते थे। नाउ मेंशनिंग सूर्य एज उषाज लवर इज अगेन अ बिग थिंक फॉर अस, क्योंकि आप पाओगे कि इनिशियली जो हमको रेफरेंसेस मिलते हैं ऑफ अ यंग कपल
जो वर्ड यूज करा जाता है उसके लिए द वर्ड इज जार। जार जो वर्ड है इस वर्ड को बाद में बना दिया जाता है फॉर एन इललेजिटिमेट लवर, बट उससे पहले इनिशियली द वर्ड जार इज यूज फॉर यंग पीपल हु आर इन लव, जस्ट लाइक उषा एंड सूर्य। तो अगेन यहां पे यू सी दैट इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो अर्ली टाइम पीरियड जिसमें हम बात करते हैं फ्रॉम बुक टू टू बुक सेवन, सो ये वाला जो अर्ली पीरियड है इट टॉक्स अबाउट हाउ देयर वाज फ्रीडम फॉर बोथ द सेक्सेस, मैन एंड वुमेन बोथ हैड फ्रीडम। एंड एट द सेम टाइम हम पाते हैं दैट देयर इज नो रेफरेंस टू एनी एज लिमिट और लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ मैरिज, एंड चाइल्ड मैरिजेस का तो जिक्र किया ही नहीं जाता। इनफैक्ट चाइल्ड मैरिजेस का जिक्र हमारे सूत्र पीरियड में जाके आता है, एंड सूत्र पीरियड इज समवेयर यू कैन गेट यू कैन अज्यूम सूत्र पीरियड जहां पे बेसिकली इन वेदों को लिखना शुरू कर दिया गया था, वो श्रुति से सूत्र बनते जा रहे थे, स्मृति से सूत्र बनते जा रहे थे, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि दैट इज द सूत्र पीरियड। एंड उस टाइम में पहली बार चाइल्ड मैरिज का जो जिक्र है वो होता है। इनफैक्ट ये जो ट्रांजिशन है अभी वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ पेट्रियार्की जस्ट बिगैन, एंड अगला जो पीरियड है विच इज द लेटर वैदिक पीरियड हम उसमें बात करेंगे हाउ पेट्रियार्की वॉज प्रोपोगेटेड। तो इस पीरियड में भी हम देखते हैं दैट मैरिजेस के लिए कोई प्रेफरेंस की बात नहीं थी, यहाँ पे मैरिजेस कुड हैपन एट एनी टाइम पीरियड। इनफैक्ट यू विल फाइंड अनदर अमेजिंग वर्ड इन ऋग्वेद विच इज द वर्ड अमजुर या अमाजुर। ये जो वर्ड है अमाजुर जो वर्ड है इसका मतलब है एक लड़की जो अपने पिता के घर में बड़ी हुई है। अगेन द रेफरेंस टू दिस वर्ड पर्सन हु ग्रू अप इन हर फादर्स हाउस, जिसको पितृसाध भी कहा जाता है कि वो अपने पिता के साथ बैठती थी, सो रेफरेंस टू दैट अगेन शोज दैट एक लड़की की उम्र के ऊपर एज के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी फॉर हर टू गेट मैरिड। इनफैक्ट यू विल फाइंड ऋषिज लाइक अपाला त्रेयी या फिर घोषा की जो स्टोरी है विच अगेन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग दैट दीज पीपल डिड नॉट गेट मैरिड। अपाला त्रेयी वॉज एन अनमैरिड प्रीस्ट एंड एट द सेम टाइम घोषा वॉज समवन हु वुड सिट बिसाइड हर फादर एट अ वेरी मैच्योर्ड एज। सो अगेन मैरिज द एज ऑफ मैरिज वॉज नॉट अ कंसर्न। एंड देन फाइनली लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। मैरिज के टाइम क्या होता था? ऋग्वेद के अर्ली पीरियड के अंदर जितने भी रेफरेंसेस दिए गए हैं उनमें से एग्जैक्टली ये निकालना कि कितने टाइप ऑफ मैरिजेस होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट आप पाओगे कि देर इज अ स्मॉल रेफरेंस टू अ मैरिज टाइप विच इज ऑल्सो नोन एज द राक्षस टाइप ऑफ मैरिज। इस राक्षस टाइप ऑफ मैरिज इसी के साथ साथ different type of marriages come into play later on in the other later Vedic period, but initial period में the first Rakshas type of marriage and the only Rakshas type of marriage is basically it's a story about how you have Vimad who was a guy who was in love with Purumitra's daughter. Purumitra was a king, Purumitra एक राजा थे, उनकी daughter से Vimad प्यार करते थे और Vimad लड़ना नहीं चाहते थे, जिसका मतलब था कि पुरुमित्रा जो है वो इस मैरिज को अलाउ नहीं करना चाहते थे। तो विमाद उनकी डॉटर से परमिशन लेके उनको चुरा ले जाते हैं। सो चुरा ले जाना वाज वन टाइप ऑफ मैरिज। सेकंड वाज समवेयर क्लोज टू अ स्वयंवर, जहां पे एक स्टोरी है वेयर अ डॉटर उनके पिता ने कहा कि जो घोड़े में बैठ के सूर्य को छू के वापस आएगा मैं उनको अपनी डॉटर दे दूंगा। तो इस कंपटीशन में जिन जिन लोगों ने भाग लिया फिर फाइनली जो सूर्य को छू के वापस आ गया डॉटर को उनको दे दिया गया। सो दैट वाज द स्वयंवर टाइप ऑफ मैरिज, या फिर द डॉटर हरसेल्फ सेज दैट आई विल चूज द पर्सन हु विंस द रेस, राइट। एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ मैरिज इज व्हाट वी वांट अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। ये जो थर्ड टाइप ऑफ मैरिज है, इस थर्ड टाइप ऑफ मैरिज को हम कहते हैं द वेडिंग रिचुअल हिम और द वेडिंग हिम, जिसकी बात करी गई है हिम 10.85 में, जहाँ पे कहा जाता है दैट सूर्य सावित्र या सूर्य सावित्री जो हमारे सूर्य देव हैं उनकी बेटी सूर्या, उसकी उनकी शादी के लिए देर वॉज अ रिचुअल बींग कंडक्टेड, उनकी शादी करवाई जा रही थी सोम के साथ। एंड इस शादी में जो हमको डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं
ये जो वेडिंग रिचुअल का हिम है इसमें 47 स्टैंजाज हैं, और इस 47 स्टैंजाज के आप अगर इसको अच्छे से अरेंज करोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो आप पाओगे कि पूरा का पूरा जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का वेडिंग रिचुअल है वो इसमें दिया हुआ है। नाउ द थिंग्स आई वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस आर, नंबर वन, बात करेंगे कि किस तरह द वुमन शुड होली सबमिट हरसेल्फ टू द हस्बैंड, पहला क्लू। सेकेंड इज, जो शादी है वो शुरू होती है फ्रॉम द वुमेन्स होम, द हर डॉटर्स हाउस, एंड देन द वुमेन इज टेकन टू द हस्बैंड्स हाउस। Now this is something that is still happening today. इसको हम कहते हैं patrilocality. That is कि लड़की अपनी शादी के बाद लड़के के घर पे जाती है, husband के घर पे जाती है. Now that is something that is continuing from this time period. So again, इसको ऐसे देखो कि the husband, the father is giving his धरोहर to the husband. And इसका एक direct depiction हमको मिलता है जब इसी wedding ritual hymn के अंदर कहते हैं कि जो वरुण है, वरुण ने अपनी बेड़ियों द्वारा लड़की को अपने फादर के साथ बांधा हुआ था, फिर अब फादर ने उन बेड़ियों को अपने से हटा के वो अपने हस्बैंड के ऊपर डाल दिया, तो लड़की अब बेड़ियों से कनेक्टेड हो गई टुवर्ड्स हस्बैंड। नो, द वर्ड बेड़ियां आर इंपॉर्टेंट एंड कनेक्टेड टू द हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहां पे हम पाते हैं कि द फादर इज प्रेइंग टू विश्ववासु। विश्ववासु जो थे वो एक तरह एक भगवान थे जो कहा जाता था वुड प्रोटेक्ट द वर्जिन विमेन और द वर्जिन गर्ल्स, उनका काम ही था टू प्रोटेक्ट देम। तो इस टाइम पे जो फादर है वो आके कहते हैं विश्ववासु को कि अब मेरी लड़की की शादी हो गई है, अब आपको इनकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, अब इनकी प्रोटेक्शन हस्बैंड करेगा, अब आप जाके किसी और कुंवारी लड़की की प्रोटेक्शन करिए। दैट इज आवर क्लू नंबर थ्री, दैट सडनली द वुमन इज नाउ बीइंग सीन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। कहा जा रहा है कि अब ये लड़की की जो रक्षा है वो हस्बैंड करेंगे, अब ये जो लड़की है वो हस्बैंड की हो गई, अब उसकी बेड़ियां हस्बैंड से अटैच हो गए, वो हस्बैंड के घर पे जाएंगी। एंड देन आल्सो इसी के अंदर बोला गया है कि एक प्रेयर है विच सेज दैट मे शी बेयर गुड सन्स फॉर द हस्बैंड। गुड डॉटर्स की बात नहीं करी जा रही है, गुड सन्स की बात करी जा रही है। क्लू नंबर फोर, एंड देन फाइनली वी सी दैट जो नई ब्राइड है उनका काम है घर पहुंचते ही टू मेक श्योर दैट द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली, बिकॉज क्या हो रहा है बेसिकली अ न्यू पर्सन इज बीइंग एडेड टू द फैमिली, सो द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स टू हैपन प्रॉपरली। कि एक नई फैमिली, एक नई स्ट्रेंजर ऐड हुई है, तो हमारा जो घर के अंदर रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाए, किसी की कमती ना हो, तो वो काम भी वाइफ को दे ही दिया गया। एंड देन फाइनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, there is a word mentioned which is samulyam. कहा जाता है जो verse 28 to 30 के बीच में जो reference दिया गया है samulyam का, उसमें कहा जाता है the blood stained sheet or garment which is a sign that the girl is a virgin. कि रात जो after the night of marriage जो garment मिलता है लड़की का, उसके ऊपर खून के दाग है जो दिखाता है कि ये जो लड़की है वो प्योर थी, वो वर्जिन थी। Now this cloth, this blood is referred to as very very evil. इसके ऊपर कृत्या है, ये जो blood है ये काफी evil है, और इसके ऊपर बहुत सारी दूरदृष्टि है, बहुत सारा ऐसा potential है कि वो husband की पूरी life को बर्बाद कर सकती है। तो जल्दी से इस blood stained cloth को ले जाकर पुरोहित को दे दिया जाए जिससे वो इस चीज को purify कर दे। Now here two things are important. One, obviously this idea that the girl was a virgin, the girl was a pure girl. And second, ये जो शादी के बाद ये जो blood stained garment है, जो लड़की का जो blood है, it has too much evil potential. तो इसके लिए immediately at the first sight, पहली बार जैसे ही वो garment दिखता है, उसको fold करके जाके पुरोहित को देके आना है जिससे वो उसको purify कर दे। अब what you'll see is धीरे धीरे as we go towards the Yajurved, towards the Atharvaved, ये जो रिचुअल है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। धीरे धीरे ये जो ब्लड मार्क्स है, ये जो बात करी जा रही है विमेन की, ये थोड़ी थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, टिल द टाइम वी रीच धर्मसूत्र, जहां पे ये कॉम्प्लिकेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक बार शादी करने के बाद और ये ब्लड स्टेन्ड गारमेंट्स होने के बाद एक और पूजा रखवानी पड़ती है। एंड इसी के साथ साथ इस ब्लड स्टेन को धीरे धीरे एक इम्प्योरिटी की तरफ बदल दिया जाता है, और कहा जाता है कि
ये जो लड़की आने वाली है, जो स्ट्रेंजर आने वाली है, ये जो रिचुअल एंग्जाइटी हो रही है ना हमारे अंदर कि ये कोई आ जाएगा, उसके ऊपर इतनी पावर है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा ईवल, इतनी ज़्यादा ईवल शक्ति है इस ब्लड के ऊपर, तो इन ये जो लड़कियाँ होती हैं ये प्योर नहीं होती हैं, ये इम्प्योर होती हैं, इनको प्योरिटी करवाना पड़ता है। इसीलिए हम इनको हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ा सकते हैं, हम इनको वेदों के नॉलेज नहीं दे सकते हैं इस तरह। एंड बाई द टाइम वी स्टार्ट रीचिंग द धर्म सूत्रास, बाई द टाइम वी स्टार्ट रीचिंग द लेटर वेदिक एज, यू सी दिस होल आइडिया टूवर्ड्स अ वुमन चेंजिंग। उनको रिचुअल्स में कम पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, उनको सभा समिति में कम पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। सभा समिति क्या थी? वी नो दैट सभा जो होता था, जो एक राजा होता था उसके साथ जो एक स्पेशल छोटा सा काउंसिल होता था विलेजर्स का, उसको हम सभा कहते थे, और बाकी सारे लोगों को मिलके जो काउंसिल बैठता था उसको समिति कहते थे। पहले सभा और समिति के अंदर विमेन को अलाउड किया जाता था, दे वर अलाउड टू गो अहेड टॉक एंड सेट एंड डू ऑल द रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। पर धीरे धीरे बाय द टाइम वी कम टूवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड, हम पाते हैं कि ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, उनसे ये चीज़ें हटाई जा रही हैं, ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मैरिज रिचुअल। उस मैरिज रिचुअल से बात शुरू हुई है, वो ब्लड से बात शुरू हुई है। नाउ इफ द ब्लड हैज कम इनटू द कॉन्वर्सेशन, आई एम वेरी श्योर यू कैन गेस कि फिर ये जो बात आती है ऑफ इम्प्योर वुमन ड्यूरिंग हर पीरियड्स, वो कहाँ से आती होगी, राइट? सो आप पाओगे कि धीरे धीरे द शिफ्ट टूवर्ड्स वुमेन गेटिंग अ लोअर स्टेटस एंड मैन गेटिंग अ हायर स्टेटस इज कमिंग इन टू प्ले। नाउ आज के हमारे इस डिस्कशन में वी हैव ओनली सीन इट थ्रू द आईज ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई थी, ऋग्वेद के अंदर क्या क्या बोला गया था, स्पेशली रिचुअलिस्टिक और मंत्रों के हिसाब से हमने देखा है। बट आने वाली क्लास में, इन द फ्यूचर क्लासेस, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इन द लेटर वैदिक पीरियड, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इन द इंसेप्शन ऑफ रिलीजन एंड मैरिज, जब हम बात करेंगे कि मैरिजेस कैसे प्रॉपरली स्टार्ट होते हैं, मैरिज के रिचुअल्स कैसे बनने लगते हैं, ये जो हमारा सात फेरों की जो प्रभाव, ये जो हमारा जो रिचुअल आता है वो कहाँ से आता है, आग का संबंध कैसे आता है, और इस आग के संबंध में प्योरिफिकेशन का संबंध कैसे आता है, एंड स्लोली स्लोली ऑल ऑफ दिस विल लीड ऑन टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी सी इन द सोसाइटी। आगे जाके चाइल्ड मैरिजेस क्यों होने लगते हैं, आगे जाके सती प्रथा क्यों आने लगती है, आगे जाके एक विडो को इम्प्योर क्यों कहा जाता है, उनको हर सोसाइटी की हर जगह से भगा क्यों दिया जाता है। सो ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू दीज स्मॉल स्मॉल रिचुअल्स दैट आर स्टार्टिंग राइट नाउ। नाउ ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ट्राइब्स का स्ट्रक्चर कैसा था, और यहाँ पे रिलीजन की शुरुआत कैसे होती है। बट लेट्स कीप दिस इन माइंड दैट इन द बिगिनिंग वुमेन हैड अ बेटर स्टेटस, एंड बाय द टाइम यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे रिचुअल्स ऐड कर दिए जाने लगे, वैसे वैसे उनका स्टेटस डाउन होने लगा। Now again, I'm pretty sure you'll have a lot of questions and a lot of doubts. So make sure you put it in the comment section down below. And again, if you have any doubts, ask me and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching and bye-bye.